घटना मामले की जांच एनआईए को सौंपने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार से इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है। और ये पूरा मुद्दा जिस पर ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि और जगहों पर जहां पर बीजेपी का राज है वहां ऐसी घटनाएं होती है, तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं पहुंचते और क्या कार्रवाई उन्होंने की है ये स्पष्ट करें। संदेश खली घटना मामले की जांच अब एनआईए को सौंपने की तैयारी है। सूत्र ये बता रहे केंद्र सरकार से इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है। और यह भी कहा गया है कि इसको लेकर एनआईए को यह पूरा मामला सौंपा जाए। बीजेपी नेताओं का दौरा वहां पर चल रहा है, जिस पर ममता बनर्जी तंज कर रही हैं कि जहां यूपी में ऐसी घटनाएं होती हैं क्या वहां जाते हैं नेता दौरा करने। 5 विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी का यह दौरा है। शुभेंदु पर निशाना भी ममता ने साधा कि वहां भी जाए जहां पर बीजेपी राज है और ऐसी ही घटनाएं सामने आती रही। तो केंद्र सरकार से इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है। और खबर इस बाबत आ रही है संदेश खाली पर कि इस घटना मामले की जांच एनआईए को सौंपने की तैयारी है। ऋतिक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, ये क्या वाकई एनआईए को सौंपने की तैयारी है इस वक्त जांच पूरी? देखिए, जिस तरीके से खबरें मिल पा रही है आपको, हम बता दें कि शुरुआती दिनों से हमने देखा, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर तमाम बीजेपी के एमपी, हमने सुना है लॉकेट चैटर्जी को, वो पुरजोर मांग कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एनआईए द्वारा इसकी जांच करवानी चाहिए। देखिए, सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा यानी सीबीआई की जांच को मांग को लेकर कोर्ट भी मामला दर्ज किया गया, लेकिन बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि एनआईए द्वारा जांच की करवानी चाहिए। देखिए, एनआईए उन सिलसिलों में वो जांच करती है जहां पर टेरर एंगल रहता है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके की संदेशकाली का घटना है वो किसी हद तक ये टेरर जो स्थिति है यानी टेरर एंगल से कम नहीं है, तो वो कह रही है कि एनआईए द्वारा जांच करवाई जाए, क्योंकि कई अन्य सारे मसला है जो पनप रहा था काफी लंबे वक्त से संदेशकाली में, उसी का नतीजा है आज का हालात। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से वहां पर माइग्रेशन हुआ है, जिस तरीके से बाहर से शुभेंदु अधिकारियों का हम कुछ देर पहले सुन रहे थे कि उन्होंने आरोप किया कि जो शेख शाहजहान है वो दरअसल रोहिंग्या उसको इस इलाके में शेल्टर दिलवाने के लिए वो मदद करता था, इस तरीके की कई सारे गंभीर आप साथ। देखिए, ममता बनर्जी संदेश खाली मुद्दे पर सियासत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी सरकार की समस्या है, वो उससे निपट लेंगी। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि संदेश खाली में पुलिस का कैंप लगा है, पीड़ित आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी अपने नेताओं पर कार्रवाई करती है, लेकिन बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब भी सांसद। মাটিতে যারা পড়ে থাকে, কোথাও যদি কোনো অন্যায় হয়, তৃণমূল কংগ্রেস আপনারা জানেন খুব ট্রান্সপারেন্ট পার্টি, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেয়। কিন্তু বিজেপির লজ্জা থাকা উচিত। ব্রিজভূষণ, সাক্ষীরা, এত সাক্ষীদের উপর অত্যাচার হলো, এত কমপ্লেন করলো, তা সত্ত্বেও ব্রিজভূষণকে দলের এমপি করে কি অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, কি একটা বক্সিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছে। ওরা আমরা এক নয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। ওরা আমরা আমরা। ममता बनर्जी ने यूपी के हाथरस केस और बिल्किस बानो केस का हवाला देते हुए भी सरकार पर सवाल उठाए। गायब जो इलेक्शन घोषणा हुआ 10-15 दिन आगे, এটা কিসের রাজনীতি? কিসের রাজনীতি? বাংলা যদি কোনো প্রবলেম হয়, বাংলার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে সে প্রবলেমকে ট্যাকল করার, সে যে প্রবলেমই হোক। এত বড় একটা রাজ্য, ইউপিতে যখন কেউ মারা যায় কেউ দেখতে যায়? বিলকিসের মামলায় ছেড়ে দিয়েছে গদ্দারদের, হাদসাদের মামলা ভুলে গেছে। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों से लोगों की शिकायत आ रही है कि आधार कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। डायरेक्ट बैंक बेनिफिट मुद्दे पाए থেকে তারা বঞ্চিত হতে পারেনি, এটা তো বিজেপি প্ল্যান নয়। ইলেকশনের আগে এনআরসি করো, এটা তো বিজেপি প্ল্যান নয় নিশ্চয়ই। যে আগে মানুষের আধার কার্ড গুলো কেড়ে নিলাম, তারপর আমি বলবো আমি তোমায় কেয়া দেবো। ममता
মমতা ব্যানার্জি নে এ ভি কাহা কি চুনাব সে পেহলে আধার কার্ড রদ্দ করনে কে পিছে সিএ লাগু করনে কি সাজিশ হো সকতি হ্যায়। মমতা ব্যানার্জি নে কাহা কি ও পশ্চিম বঙ্গাল মে এনআরসি লাগু নাহি হোনে দেঙ্গি। আমি গরিব মানুষ গুলোকে আমার তপশিলি বন্ধু হোক, সংখ্যালঘু বন্ধুই হোক, জেনারেল কাস্টই হোক, মুসলিম বন্ধুই হোক, আমি সবাইকে এটুকু অ্যাসিওর করে বলতে পারি, বেঙ্গলে এনআরসি আমরা করতে দেব না, আমরা জীবন দিয়ে লড়াই করব, রূপব দুই বেঙ্গলে ডিটেনশন ক্যাম্প আমরা করতে দেব না। তিন, যে মতুয়া বন্ধুদের বলেছিল সিটিজেনশিপ ড্রাইভ দেবে তাদের আজকে ফরেনার করে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে। इन सब के बीच जब इस पर सियासत भी चल रहे हैं, कई आरोप चल रहे हैं, उस बीच शुभेंदु अधिकारी बकायदा दौरा करने के लिए पहुंचे, उनसे खास बातचीत की, हमने सुनिए जरा। मेरा पास जो जानकारी है, देखिए, कोर्ट हायर जुडिशियरी को सम्मान सबको करना चाहिए। पुलिस तो यहाँ पार्टी का कैडर हो सकता है, लेकिन पुलिस सरकारी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, उनका तनख्वाह टैक्स का रुपया से मिलता है। उसका चलने का तरीका कैसे होगा, देश का संसद बता दिया, सीआरपीसी आईपीसी जो भाडिक मिला है, पिछले बार 12 तारीख भी 144 सेट असाइड कर दिया, उसका बाद ये लोग कोर्ट को थोड़ा बाईपास करते हुए 19 प्लेस को आइडेंटिफाई करके 144 लगा दिया, उसका बाद 144 19 तक था, 19th को सुबह ये लोग और भी चार प्लेस को छोड़ के 15 प्लेस में 144 21st तक कंटिन्यू कर दिया। हम लोग कोर्ट में फिर गया था फ्राइडे, उस दिन बार का ऑनरेबल मेंबर एमएलए जनाब इर्दीस अली साहब का दुखद देहांत हुआ, इसलिए कोर्ट बंद हो गया। यस्टरडे पूरा दिन का हियरिंग हुआ, ऑनरेबल जस्टिस सब ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन किया, स्टेट गवर्नमेंट का बात भी सुना, हम लोग का बात भी सुना, उसका बाद जो जजमेंट आया अपलोड हुआ आपका सामने है। हम लोग कोर्ट का आर्डर मानते हुए हम लोग निकलने वाला है, लेकिन मेरा पास, मैं उम्मीद करूंगा डीजीपी और एसपी बशीराट कोर्ट का आर्डर को अमल करेंगे, लेकिन ये लोग 10 बजे का बाद फाइल करेगा, 11 बजे डिविजन बेंच में मेंशन करने वाला है, ये इसका प्लानिंग है। हमने लीव अलाउ करेगी कि करेगी नहीं करेगा वो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का बेंच है, उनका मामला है, लेकिन हम लोग निकलने वाला है। जो जानकारी मेरा पास है, ये लोग फिर संदेश खाली का जो रामपुर है वहां हम लोग को होल्ड करेगा, इसलिए होल्ड करेगा डिविजन बेंच में ये लोग स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए होल्ड करेगा, ये भी इलीगल है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी कल वहां पहुंची और उन्होंने वहां के हालातों को देखने के बाद राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर दी। 10 आउट ऑफ मोल हिल, मोल हिल क्यों है, क्या पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे मोल हिल्स बन गए हैं और उन या माउंटेन्स को मोल हिल बनाया जा रहा है? बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, पुलिस खुद दबाती है, एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। आज भी पता चला है कि डीएम बाहर है, जहां भी मैं कभी जाती हूं डीएम कभी नहीं मिलते हैं, एसपी कभी नहीं मिलते हैं, हमेशा ममता जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को मिलने नहीं देती सेंट्रल एजेंसीज को, ताकि सच बाहर ना आ जाए, लेकिन सच की एक परिभाषा है कि वो बाहर आता ही आता है, कोई भी उसको ढक नहीं सकता। पुलिस क्या इतनी इनकमपूप है कि वो अरेस्ट नहीं कर पा रही? क्या पुलिस सिर्फ विक्टिम्स के रिलेशंस को अरेस्ट करने के लिए है? मैंने सुना है, जो मेरी टीम पहले गई थी, कि 10 वो लोग अरेस्टेड हैं जिनके जो विक्टिम्स हैं उनके रिलेशन वाले, तो उनको अरेस्ट कर सकती है, तो और जो आरोपी है उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? क्या ये साठगांठ एडमिनिस्ट्रेशन की है या गवर्नमेंट की है कि आज तक शाहजान को अरेस्ट नहीं किया गया? संदेश खाली की पीड़ितों के लिए राजभवन में कैंप बनाया गया, राजभवन के 3 कमरों में पीड़ितों के ठहरने की पूरी व्यवस्था है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की रिपोर्ट। अब संदेश खाली की जो विक्टिम्स हैं उनके लिए
कोलकाता के राजभवन में खोला गया है पीस होम, यानी जो विक्टिम्स हैं अगर वो वहाँ पर नहीं रह पा रही हैं, वो यहाँ आना चाहती हैं तो वो यहाँ पर रह सकती हैं। 3 कमरे अलॉट किए हैं राजभवन की ओर से, राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से ये एक कदम उठाया गया है पीस होम का। 3 कमरे हैं कुल टोटल, क्योंकि राज्यपाल जब संदेश खाली गए थे तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने जो विक्टिम्स थी अपनी आपबीती बताई थी, उन्होंने राखी बांधी थी, तो इसके बाद से राजभवन में कई फ़ोन भी आ रहे थे कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। इसी के संदर्भ में राज्यपाल ने इस तरह के 3 रूम अलॉट किए हैं गवर्नर हाउस में। ये रूम हैं जहाँ पर जो विक्टिम्स हैं वो आकर रह सकती हैं, और यहाँ पर वो जो भी रहना खाना पीना जो भी है वो निःशुल्क होगा, ऐसी बात राजभवन की ओर से बताई गई है। इस तरह के 3 रूम यहाँ पर हैं, और यहाँ पर सेवा के लिए भी जो अगर आना चाहते हैं तो वो वहाँ पर उनको जो मदद है पूरी मदद मिलेगी। और ये जो पीस होम है, सेफ होम है, इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है कोलकाता के राजभवन में। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक कोलकाता। संदेश खाली में बहुत से लोग जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉ ने हालात का जायजा लिया। संदेश खाली में बहुत सारे महिलाओं के तरफ से एलिगेशंस दावा किया गया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, फिजिकल मोलेस्टेशन किया गया, फिजिकल असॉल्ट भी किया गया, लेकिन वो जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब आप संदेश खाली आते हो, दूसरी एक चीज जो आपके सामने उभर कर आती है कि ये जो सुंदरबन से सटा हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे जो लोगों का आरोप है कि स्थानीयों का आरोप है कि जमीन के साथ भी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार जो शेख शाहजहां के लोग हैं उनके तरफ से बहुत छेड़खानी की गई है, और यहाँ पे बहुत सारा जमीन पे कब्जा भी किया गया है। वैसे ही एक जमीन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक तालाब देखा जा रहा है, लेकिन ये एक जमाने में एक फुटबॉल ग्राउंड था, और ये हम नहीं कह रहे, ये स्थानीय कह रहे हैं, ये एक क्लब का जमीन था जिसको जो दावा किया जा रहा है कि शिबू हाजरा के लोगों ने इसको हड़प लिया, और यहाँ पे एक तालाब यहाँ पे बन चुका है। स्थानियों के साथ बात करेंगे। दादा, आपका नाम, आप से यहीं पर रहते हैं? जी, मैं बिल्कुल इधर रहता हूँ, मेरा घर इधर ही है, मेरा नाम विश्वजीत दे है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे थे कि ये पहले क्या था, क्लब का जमीन था, क्या था? क्या क्लब और प्राइमरी स्कूल का जो फुटबॉल ग्राउंड है इसका, इसमें बच्चा लोग बहुत खेलते थे, और हम लोग का इधर साल में एक बार लीग चलता था 1.5 महीने से, फुटबॉल लीग चलता था, बहुत बेस्ट। इसका ये हालत कब हुआ, कैसे हुआ? ये जब से पोल्ट्री फार्म किया है, ये काट के बांध ऊंचा किया है, और पोल्ट्री फार्म में मिट्टी लेके गया पूरा चारों तरफ से। किसका जमीन, किसका पोल्ट्री फार्म? ये शिबू हाजरा का आपको दिख रहा है ना, शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म जो था उधर का ही है। तो यहाँ से जमीन को ले लिया गया और पोल्ट्री फार्म के आसपास उसको इस्तेमाल किया गया, क्यों किया? उनका बिजनेस चाहिए ना। अच्छा। राजनीति नहीं चाहिए, लेकिन इधर किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ उनको, इधर कोई फ्रीडम नहीं है संदेश खाली में, जो बोलेगा उसको उठा के लेके दबाए देगा। यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत है, क्योंकि ये एकदम ये कितना है इधर, और चारों तरफ ये इधर पेड़ ही था, इतना अच्छा स्टेडियम टाइप का था, एक मिट्टी का स्टेडियम टाइप का था, वो भी देखिए क्या किया। ये कब से हो रहा है ये सब? ये दो जब से बना है, 2 साल या 3 साल हुआ है ये फार्म जब से बना है, यही सही किया है। अच्छा, ऐसे फिशरीज में भी हुआ है कि फिशरीज को भी मतलब एग्रीकल्चरल जमीन को पानी निकाल के फिशरीज में तब्दील कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, आपको दिख रहा है वो जो फिशरीज है ना अभी जो सूख रहा है, वो फिशरीज में पूरा हड़प किया है इन लोगों ने, शिबू हाजरा ने पूरा 300 बीघा का जमीन है इधर शायद। बहुत सारे ऐसे आरोप है जो स्थानियों के तरफ से किए जा रहे हैं शेख शाहजहां के करीबी शिबू हाजरा पे, जिसको अरेस्ट फिलहाल कर लिया गया है। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, संदेश खाली।